रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जया वर्मा सिन्हा ने कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रयागराज जंक्शन, फाफामऊ जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज संगम स्टेशनों का निरीक्षण किया। कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से यात्रा करेंगे। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुखद बनाने के लिए 900 से अधिक विशेष गाड़ियां चलाने की योजना पर कार्य हो रहा है। अध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं का इंतजाम, वैकल्पिक योजनाओं एवं निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया और निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल टावर में ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन लगाने का निर्देश दिए और कंट्रोल टावर के ओवल इंचार्ज के बारे में भी पूछने के साथ ही स्नान दिवसों पर सिंगल कमांड के विषय में भी बात की। इस दौरान अध्यक्ष ने उच्च गुणवत्ता वाले इक्विपमेंट से अनाउंसमेंट के निर्देश दिए। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष ने मंगलवार प्रेस वार्ता में बताया कि कुंभ मेले के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए रेलवे ने राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर मूवमेंट प्लान तैयार किया है। सिविल लाइन्स साइट का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और महाकुंभ से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय में अध्यक्षा ने रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कुंभ मेला पर गहन चर्चा की। महाकुंभ के दौरान 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रयागराज और आसपास के रेलवे स्टेशनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान की जा रही है। नए अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कुंभ मेला में देश के हर राज्य और हर कोने से लोग आते हैं और पूरी दुनिया के सैकड़ों देशों से भी लोग यहां इस भव्य आयोजन के दर्शन हेतु पहुंचते हैं। कुंभ मेला के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और आपात स्थिति में कैसे कार्य किया जाएगा, इस पर भी चर्चा की गई। निरीक्षण के क्रम में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर के साथ यात्रियों की सुविधा हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं कार्य योजना का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति देखी। उन्होंने शेष बचे विकास कार्यों का वर्क प्लान नक्शे के माध्यम से समझा और कुछ आवश्यक सुधारों के साथ संबंधित को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण में उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी, मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु बड़ोनी, मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ उत्तर रेलवे एसएम शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे विनीत कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे।